स्टॉप टीम निर्माण 200 मीटर का 2 किलोमीटर यार पतालू नाला पर जोहरा भाटा 2 किलोमीटर दूर किधर है भाई, रोड तो है नहीं। अभी भी कुटेला चली रहा है, मर्यादित चिखली मुख्यालय कुटेला सब स्टेशन कुटेला। धान का फसल है दोस्तों, दोनों तरफ ले आया गया है, नदी किनारे इसलिए क्या पता है। ग्राम कुटेला के बाद नेक्स्ट ग्राम ग्राम कुरुत, ग्राम कुटेला के बाद ग्राम कुरुत। ग्राम कुटेला के बाद ग्राम कुरुत। बरसात का पानी हो सकता है, पानी भरा हुआ है ना, इतना पानी गिरा है यहाँ तो रात को पहले। ग्राम कुरुत मेन रोड कुरुत कुटेला, मेन रोड कुरुत। यहाँ भी एक रेत घाट बनाया गया है, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुरुत कुटेला कोसा। अंततः खत्म हुआ ग्राम कुरुत। ग्राम कुरुत के बाद ग्राम कुरुत कुटेला के बाद यह है ग्राम, पता नहीं अभी तो दिखा नहीं, देखते हैं अभी। कुरुत कुटेला के बाद अभी तक उनका नाम दिखा नहीं है दोस्तों गांव का, आगे देखते ही बताते हैं दिखते ही। हाँ एक दरवाजा लगा है, यह है करमंदी ग्राम पंचायत करमंदी, यह है ग्राम करमंदी। कुरुत कुटेला के बाद ग्राम करमंदी, कुरुत कुटेला के बाद ग्राम करमंदी। ग्राम करमंदी के आगे हरदी एनिकेट का निर्माण, यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 दूरी
यहीं से हरदी एनिकेट जाके देखते हैं दोस्तों, नया जगह हरदी एनिकेट। नहीं तो वापस आ जाएंगे यदि पार नहीं कर पाए तो महानदी को स्टॉप देंगे हम। यह ग्राम हरदी एनिकेट जाने का रास्ता। ये गाय क्या तो समझते बाहर है। हमने अभी समोदा रोड छोड़ दिया दोस्तों, अभी आगे हरदी एनिकेट जा रहे हैं। क्या वहाँ से हम महानदी क्रॉस कर सकते हैं देखने, यदि हाँ तो पार कर लेंगे, नहीं तो वापस समोदा जो पुल है वहाँ से पार कर लेंगे। यहाँ से सीसी रोड चालू हो गया या ये थोड़ा कोई नाला वाला, इसलिए मैं बोला सोच रहा था कि कई जगह क्या होता है गांव के अंदर है वो रोड सीसी रोड बना देते हैं। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों हरदी एनिकेट, चल के देखते हैं क्या हाल चाल है, नहीं तो वापस लौट जाएंगे। 2 किलोमीटर का तो बात है, 2 किलोमीटर आगे ये 2 किलोमीटर पीछे, क्योंकि अभी 2 दिन से पानी गिर रहा है दोस्तों, तो चांसेस है पानी यदि समुद्र घाट में रोगा होगा बांध जो अब पहले जीएमआर का था अब अडानी का है डैम, तो पानी कम होना चाहिए चांसेस, नहीं तो देखते हैं दोस्तों 50-50। हरदी एनिकेट अरे हाँ पार हो जाएगा दोस्तों, पानी तो कम लग रहा है। हम आ गए दोस्तों महानदी के किनारे किनारे, अभी रास्ते में उतना चलते नहीं है इस लगते आदमी लोग। वहाँ पे दुकान है क्या है पता नहीं चलता। अल हिंद यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों, जल संसाधन विभाग का कोई गेस्ट हाउस टाइप का कुछ है यहीं से है। थोड़ा अंतर है सड़क में, यहाँ पे बाप रे तो एकदम सकरा है जी स्टार्ट उम्मीद भी नहीं किया था इतना सकरा होगा। यह महानदी दोस्तों इतना सकरा है कि चलाने में भी डर लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था। यह महानदी है दोस्तों, महानदी का स्टॉप डैम इतना सकरा है कि मैं सर घुमा भी नहीं पा रहा हूँ नहीं ध्यान है था दुर्घटना घटा वाला हाल है। एनिकेट खुला हुआ है दोस्तों इसलिए पानी नहीं है, नहीं तो इसमें भी भरा रहता पानी, ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा है मुझको, इधर इधर है। थोड़ा बहुत डैमेज भी है, थोड़ा नहीं भैया बहुत डैमेज है। अच्छा और ये सिरपुर जाने का शॉर्ट रास्ता है दोस्तों, जब पानी कम हो महानदी में तो आप यहाँ से क्रॉस करके सिरपुर जा सकते हैं आप हरदी गांव से।